हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू झिलीमिली ब्लॉग्स। ये वीडियो एक ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में है जिसका शिकार हम खुद ही हुए थे और उससे कैसे बचे उसके बारे में है। और आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कुछ होता है, उनसे वो लोग कैसे नंबर लेते हैं और कैसे कॉन्टैक्ट करके आप लोगों को फंसाते हैं उसके बारे में देखिए। हाँ जी, कर रहा हूँ। गूगल पे ओपन करो अपना। हेलो। हाँ, कर दिया ओपन। न्यू पेमेंट आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। इसमें देख रहा दिख रहा है आपको बैंक ट्रांसफर ऑप्शन, BANK बैंक ट्रांसफर। न्यू पेमेंट में न्यू पेमेंट या बैंक ट्रांसफर कोई सा भी ऑप्शन देखिए। हाँ, न्यू पेमेंट में बैंक ट्रांसफर ओपन किया। हाँ जी, लगाओ कार्ड नंबर लगाइए। 999। हेलो। हाँ जी, कहाँ पे लगाऊं वो कार्ड नंबर? अकाउंट नंबर ओपन में 999। हेलो। हाँ जी बोलिए। 999 80 11 ओके 98 21 ओके ओके अगेन सेम नंबर रीएंटर कर लीजिए। 999 80 ओके 11 98 21 382 ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आईएसपी कोड का आ रहा है ना? हाँ जी। FDRL F के पास में D से दिल्ली। हाँ। R से राजस्थान। L से लखनऊ। FDRL ओके 000999 000999 8 करके। हाँ जी सर। हाँ, डाल लिया। कब का अपना नेक्स्ट ऑप्शन रिसिपिएंट नेम आ रहा है ना? हाँ जी। अपना करेक्ट नेम डाल लो आपका। हाँ, डाल लिया। हेलो। हाँ, डाल दिया हूँ। कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू कर लिया। हाँ हाँ, कंटिन्यू कर लिया। हाँ, वहां पे वारा होगा पे करके आपके लिए दिखा रहा है ना, पे करके शुभ्रांशु कटवाल के लिए। हाँ जी, फेडरल बैंक 1382। हाँ, इंटर अमाउंट कितना कराना है टोटल बताइए आपका डिपॉजिट? 5000। 5000 वो तो ज्यादा बता रहा था बंदा मेरे को डिपॉजिट का आपको। नहीं नहीं, मैंने उनको टोकन मनी बताया था 5000 अभी। अच्छा, टोटल कितना है आपका? टोटल तो वो घर देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे ना, वो अभी तक आपका राइट है। टोटल बोलो एक बार। 1.5 लाख। वो तो 1.5 लाख है। 1.5 लाख है तो मेरे को अभी मेरी बात हुई थी उनसे, मेरा कार्ड का लिमिट है 50,000 का। वो बोला था कि मैं 50,000 करा देना, बाकी मैं जाने के बाद 1 लाख करा दूंगा। 50,000 में करा देता हूँ आपको, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे 5000 ही अभी दीजिए। अभी टोकन मैंने तो उनसे बात हुआ था, मैंने उनको बोल दिया था। तो फिर 5000 मेरे कार्ड से होता नहीं, 10,000 होगा।
फिर बाकी आने के बाद करा देगा, ठीक है। नहीं अभी मैं, हाँ 5000 होगा नहीं क्या अभी? 5000 मेरा कार्ड का लिमिट नहीं है, आर्मी कार्ड से हो रहा है ना, 10000 से कम नहीं होता मेरे कार्ड से। अच्छा 10000 ले लो, बाकी वो आएगा उस दिन आपको कंप्लीट करा देगा, ठीक है। तो इसमें क्या 10000 डालूं क्या? हाँ 10000 इंटर अमाउंट डाल लीजिए, एड ए नोट आ रहा है ना नीचे, एड ए नोट। एक मिनट, हेलो, एक मिनट रुकिए, नीचे आ रहा होगा एड ए नोट आ रहा है ना, एड ए नोट, हाँ एड ए नोट, टोकन एडवांस, टोकन एडवांस। डाल लिया टोकन एडवांस, हाँ डाल दिया। अब राइट टिक मार्क ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ जी, टिक करके अपने अकाउंट के लिए जमा कर लो, अपने अकाउंट के लिए पे कर लीजिए। को राइट क्लिक करले पिन मागुची को कर मारो नहीं, पे कर लिया। अभी राइट क्लिक करने के बाद वो पिन मांग रहा है, हाँ एंटर पिन डाल के डन कंप्लीटेड कर लो, चेक कर लो। अभी पिन क्यों चाहिए मेरे को? तो पैसा पिन डाल के बैलेंस आएगा ना वहाँ पे आपको चेक करने के लिए। नहीं नहीं मेरे को तो पैसा मिल रहा है ना, तो मैं क्यों पिन डालूं उसमें? तो आपके लिए पैसा आ गया, इंटर कोड डाल के देख लो कंप्लीट आ गया है। नहीं नहीं आप बोल रहे अभी पिन मांग रहा है, तो पिन मैं क्यों डालूं पिन मेरा भला? मैं आप मेरा कार्ड का पिन इधर में डाला हूँ, अपना पिन डाल के आपको बैलेंस दिखेगा वहाँ पे। नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि ये सही सही चीज नहीं है। आप कहीं पे तो बोल रहा हूँ, आप लाइन ब्रेक कंप्लीट कर लो, देख लो डन आ गया है, आपको चेक कर लो। नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि ये फ्रॉड चीज हो रहा है ये, तो मुझे क्यों पिन मांग रहा है वो? क्या क्या लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कॉल रखिए छोड़िए। क्या बोल रहे? जब मैं आपको लाइन पे रह के करा रहा हूँ। हाँ तो लाइन पे रह के मेरा पिन क्यों मांग रहा है वो? आप तो मुझे डाल देना मेरे अकाउंट में। आपके लिए डन हो गया ना वो, दिखेगा ना वहाँ पे आपको क्या आ गया है। नहीं नहीं छोड़िए मुझे नहीं देना है, घर मेरे रेंट में नहीं देना है ये मुझे। पेपर प्रोसेसिंग में चला गया, वहाँ पे चेक कर एक बार देख ले। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है ये आपका। Hello? ये कॉल मुझे फ्रॉड कॉल लग रहा है। केसी बात कर रहा है बच्चों की तरह, फ्रॉड लग रहा है। किससे बोलते फ्रॉड? नहीं देखिए 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 सर जी, मेरा ये मेरा घर नहीं, नहीं ये तो घर मेरा है, मैं रेंट दूंगा कि नहीं दूंगा वो डिसाइड मैं करूंगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये दिक्कत क्या है आपको? नहीं नहीं पासवर्ड तो वो मेरा पिन क्यों मांग रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। मेरी बात ना, बैलेंस चेक करोगे तो पिन तो मांगेगा ना, ये देख लो आ गया। वो तो बाद में करेगा ना, वो अभी क्यों मांग रहा है कि जैसे ही ट्रांसफर करने के लिए, वो तो पिन नहीं आपको। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ना वो बंदा हम लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है और अपने बातों में कैसे फंसा रहा है। एक्चुअली मैटर ये है कि हमारा जो घर बैंगलोर में है उसको रेंट आउट करने के लिए आर दिए थे मैजिक ब्रिक्स में, उनसे उस वो मैजिक ब्रिक से वो अब हमारा नंबर लेके हमको कांटेक्ट किया और खुद को आर्मी का पर्सन बोला ताकि हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और हमारा नंबर लेके हमको टोकन मनी देने के लिए वो रेडी हो गया था। तो हम कैसे हमको थोड़ा डाउट हुआ कि क्यों ऐसे सडनली वो राजी हो गया घर विदाउट देख के। हाँ वो जो डिटेल्स मांगे थे, जो अकाउंट नंबर री एंटर अकाउंट नंबर, वो डालने के बाद ये उसके बाद ये वाला पिन को जो पेज है उसमें चला गया है। अगर इसमें आप पिन डालते हो तो वो डायरेक्टली आपका अकाउंट से ही कट होता है, डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, डिपॉजिट नहीं होगा। वो डिपॉजिट करने के लिए कॉल करते हैं कि हम आपको भेज रहे हैं, लेकिन ये आपके अपना अकाउंट से कट जाता है। RBI इसीलिए हमेशा बोला है कि कभी पिन एंटर मत करो जब पैसा आ रहा है, पिन मतलब हमेशा अकाउंट से पैसा जाएगा।
तो हम लोग अभी फ्रॉड होते होते बच गए हैं। देखिए कैसे फ्रॉड होता है। हम डाउट किए पहले। कोई कोई कॉल किया और ऐसा ऐसा बोला न्यू ट्रांसफॉर्म में जाओ फिर पिन मांग रहा। हेलो। हाँ जी सर। हाँ ये कौन सा नंबर दे दिए, कौन फोन किया था मुझे, वो बोला कि मेरा पिन डालने के लिए बोल रहा है। वो सर मेरे अकाउंटेंट सर है, आपको कार्ड के द्वारा पेमेंट रिसीव करा रहे हो। नहीं नहीं जो भी मेरा मैं जो आपको पेमेंट करेगा ना वो डायरेक्टली पेमेंट करेगा, वो मेरा क्यों पिन मांग रहा है। वो मेरा पिन कब जरूरत होता है, जब भी मैं अगर पे करूँ किसी को तभी मेरे को पिन चाहिए। हाँ जी फर्स्ट में आप 1 रुपी चेक कर कर देखो सर। नहीं एक काम करते हैं तो आप मैं जब बैंगलोर जाऊंगा आप आके मुझे कैश दे देना। ओके और फर्स्ट डिपॉजिट हमारा आर्मी रेजिमेंट ऑफिस से होता है। नहीं नहीं वो रहने दीजिए, आप वहाँ से बात करके मुझे को बोल रहे हैं कि ऑनर उसको कैश चाहिए तो मुझे आप बैंगलोर में कैश दे दीजिए। ओके। ऐसे ही नंबर से आता है, पूरा डिटेल रहता है कि जैसे कि डिफेंस से आया है, उसका अकाउंटेंट है। तो पहले क्या हुआ था, मैंने जैसे ही घर रेंट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसके बाद एक बंदा ने मुझे कॉल किया कि मुझे चाहिए, तो मैंने बोला कि उसको ठीक है मुझे 1 मंथ के बाद रेंट आउट करना है, अभी नहीं। बट वो फोर्सफुली बोल रहा है कि ठीक है आप सर टोकन मनी ले लो, मुझे घर पसंद आया है। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है मुझे 5,000 रुपीज दे दो। नहीं वो 50,000 देने के लिए, लेकिन वो 50,000 देने के लिए बोला मेरे अकाउंट से पूरा 50,000 जाए। हाँ फिर फाइनली मैंने बोला कि 5,000 रुपया तो मेरे कार्ड से नहीं जाएगा, मिनिमम 10,000 रुपीज डालना है। ऐसे कोई कार्ड नहीं जिसमें 5,000 रुपया नहीं जाता है। तो जितना थोड़ा सा डाउट हुआ। ओके फिर वो बोला कि जो बंदा मुझे कॉन्टेक्ट किया था जो कि जो घर लेने के लिए रेडी था बोल रहा था, उस बंदे ने मुझे कॉल किया था, उसके बाद बोला कि मेरा अकाउंटेंट से कॉल आएगा। और देखिए उसका अकाउंटेंट का जो कॉल, उसको कैसे वो सेटअप करके रखे हुए हैं, जैसे आपको लगेगा कि डिफेंस का कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है जोरा सिंह बोल के, तो बी अवेयर ऑफ दिस फ्रॉड। ओके ये सभी टीवी में देख रहा था। हाँ। टीवी में एक लोग कह रहा था एक न्यूज पर कि कौन हुआ था, हम एक जॉब करेंगे पैसा अग्रीमेंट करेंगे, और वो देने वाला था क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देने के लिए यार कौन हुआ जानते हो, उसका 50,000 चला गया कार्ड से, और हमारे तो जाने ही वाले थे, पर हम यूज करके हमारा दिमाग हम जान गए स्कैम। तो ऐसे बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स, और तुम कभी भी फ्रॉड पर नहीं फंसोगे, तुम बी अवेयर करोगे। थैंक यू। हम तो बच गए आज नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग तो बच गए, आप लोग भी ऐसे ही अलर्ट रहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपके अकाउंट में मनी डिपॉजिट करेगा तो आपको आपका UPI पिन कभी भी नहीं देना है। अगर आप किधर मनी ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम आपको अपना UPI पिन देना है। लेकिन कोई अगर आपको बोलता है कि आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा या आपके पास वो मनी ट्रांसफर करेगा और आपका UPI पिन दे दीजिए, तो कभी मत दीजिए, क्योंकि ये वो RBI का ही रूल है। तो आप लोग सब अलर्ट रहिए और ये फ्रॉड को उल्टा जवाब दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।